everyone, this is Harshita from Study Marathon and we are studying chapter number 4, Heat. So let's continue this chapter. Okay, now next topic is transfer of heat. Transfer of heat ka matlab ki heat one place se dusre place pe transfer hona. Theek hai? Chalo, let's study ki iska matlab kya hai ye dekhte pehle to. इसका मीनिंग है द फ्लो ऑफ हीट ऑलवेज टेक्स प्लेस फ्रॉम हॉट टू कोल्ड ऑब्जेक्ट. ठीक है, अब इसका मतलब ये है कि जो हीट है वो हॉट ऑब्जेक्ट से ट्रांसफर होती है कोल्ड ऑब्जेक्ट. लेट्स टेक रियल एग्जांपल, जब भी आपकी मम्मा खाना बनाती है, ठीक है, खाना गैस पे बनाती है, आपकी मम्मा फ्लेम ऑन करेगी पहले, क्यों फ्लेम ऑन कर दी, उसके बाद खाना उसके ऊपर ऐसे नहीं डाल देगी, पहले कोई चीज रखेगी, कोई यूटेंसिल रखेगी. ठीक है, खाना आप यूटेंसिल में तो बनाओगे कि सीधा फ्लेम पे आप खाना डाल दोगे, पहले आपने फ्लेम ऑन करा. सपोज आपको कुछ पटैटो बनाना है तो आपने सीधा पटैटो फ्लेम पे डाल दिया, नहीं हो सकता ऐसे. ठीक है, तो आप पहले क्या करोगे, पहले आप यूटेंसिल रखोगे. ठीक है, तो यूटेंसिल जो आपका है वो कोल्ड ऑब्जेक्ट है और जो फ्लेम आपकी जल रही है वो आपका हॉट ऑब्जेक्ट है. तो आपने कोल्ड ऑब्जेक्ट को फ्लेम पे रखा, फ्लेम पे रखा, अभी तो वो ठंडा होगा, शुरू में तो वो ठंडा होगा, लेकिन अगर आप आफ्टर 5 मिनट्स चेक करोगे तो आपका वो जो यूटेंसिल है, वो जो फ्राई पैन जो आपने रखा है, वो आपका हॉट हो जाएगा. ठीक है, हॉट ऑब्जेक्ट बन जाएगा. क्यों? क्योंकि फ्लेम की जो हीट है वो ट्रांसफर हो गई कोल्ड ऑब्जेक्ट में. कोल्ड ऑब्जेक्ट हमारा कौन सा था? यूटेंसिल जो आपने फ्लेम पे रखा था. ठीक है, तो अब वो ट्रांसफर हो गई. ट्रांसफर होने के बाद आपने उसके अंदर पटैटो रख दिया. अब पटैटो भी आपके क्या थे? ठंडे थे. ठीक है, अब पहले जो थी वो फ्लेम, फ्लेम से आपकी हीट ट्रांसफर हुई यूटेंसिल पे, यूटेंसिल से आपकी हीट ट्रांसफर हुई पटैटो पे. ठीक है, तो आपका जो है फिर आलू बन जाएगा. तो ऐसे ही हमारा हॉट ऑब्जेक्ट से जब ट्रांसफर होती है हीट कोल्ड ऑब्जेक्ट पे तो उसे हम कहते हैं ट्रांसफर ऑफ हीट. क्लियर हो गया आपको ये रियल लाइफ एग्जाम्पल्स आपको पता लग गया होगा. द फ्लो ऑफ हीट ऑलवेज टेक्स प्लेस फ्रॉम हॉट टू कोल्ड ऑब्जेक्ट. हमेशा जो हीट ट्रांसफर होगी वो हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट पे ट्रांसफर होगी. नाउ लेट्स कम टू नेक्स्ट, कंडक्शन. नाउ व्हाट इज कंडक्शन? द प्रोसेस ऑफ फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम अ हॉट ऑब्जेक्ट टू कोल्ड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड कंडक्शन. हमने भी जितना भी पढ़ा, जितना भी प्रोसेस था, हमने उसको क्या कहते हैं? कंडक्शन कहते हैं. ठीक है, जितने भी हमने अभी एग्जांपल्स लिए, वो फ्लेम वाला जो हमने एग्जांपल्स लिया, उसके बाद हमने यूटेंसिल उसके ऊपर रखा, हीट पास हुई, फिर वो पटैटो पे हीट पास हुई, तो इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? कंडक्शन. ठीक है, ना कंडक्टर्स. कुछ चीजें, कुछ ऑब्जेक्ट हमारे ऐसे होते हैं जिसपे हीट ट्रांसफर हो जाती है इजिली, और कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिसपे हीट ट्रांसफर इजिली नहीं होती. तो पहला है कंडक्टर्स. द ऑब्जेक्ट्स दैट कैन अलाउ हीट टू फ्लो थ्रू देम आर कॉल्ड कंडक्टर्स. कंडक्टर्स हमारे वो होते हैं जिसमें हीट इजिली ट्रांसफर हो जाती है. ठीक है, सपोज फॉर एग्जाम्पल कॉपर, आयरन, एल्यूमिनियम, जो आपके यूटेंसिल्स भी बने हुए होते हैं वो आपके इन्हीं चीजों के बने हुए होते हैं ताकि हीट आपकी इजिली ट्रांसफर हो जाए. ठीक है, अच्छा नेक्स्ट, इंसुलेटर्स. इंसुलेटर्स आपके क्या होते हैं? इंसुलेटर्स वो होते हैं जो जिनपे आपकी हीट इजिली ट्रांसफर नहीं होती. तो पहला है द ऑब्जेक्ट्स दैट डू नॉट अलाउ द फ्लो ऑफ हीट फ्लो फ्रॉम देम इज कॉल्ड इंसुलेटर्स. ठीक है, जिसपे हीट ट्रांसफर नहीं होती इजिली उनको बोला जाता है इंसुलेटर्स. एग्जाम्पल है वुड, प्लास्टिक. आप कभी भी देखना यूटेंसिल का जो हैंडल होगा, ठीक है, अगर आपने यूटेंसिल कोई रखा है, सपोज आपने फ्राई पैन रखा है फ्लेम पे, ठीक है, जब आपकी वो सब्जी बन गई तो आप फ्राई पैन को ऐसे करके उठा के नहीं रखोगे, आप हमेशा उसका हैंडल यूज करोगे. और हैंडल इतना गर्म नहीं होता, आप नोटिस करना, या तो वो वुड का बना हुआ होगा, या तो वो प्लास्टिक का बना हुआ होगा, या तो वो कोई ऐसी चीज का बना हुआ होगा जिसपे हीट आपकी ट्रांसफर नहीं हुई. ठीक है, तो आप उसको हैंडल से पकड़ के यूटेंसिल को साइड में रखोगे. ठीक है, ऐसे ही करोगे ना, तो उनको बोला जाता है इंसुलेटर्स, जिसपे हीट ट्रांसफर नहीं होती, और जिसपे हो जाती है उसको कंडक्टर्स बोला जाता है. और ट्रांसफर ऑफ हीट का मतलब होता है हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर होना हीट का, और उस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं कंडक्शन. तो आई होप ये आपको पूरा समझ आ गया होगा. ठीक है, हम इसका एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं. जब आपकी सब्जी बन गई, यूटेंसिल में आपकी पूरी तैयार होगी, आपने उसको उठा के रख दिया,
ठीक है, अब रख दिया, अभी आप उस यूटेंसिल को छुओगे तो वो बहुत गर्म होगा, ठीक है, आप नहीं छू पाओगे उसे। लेकिन जिस पे आपने रखा है, सेल्फ पे रखा होगा, शेल्फ पे रखा होगा आपने, तो वो जो शेल्फ होगी वो तो अभी ठंडी है ना, ठीक है, और एनवायरनमेंट जो है उसकी सराउंडिंग्स है वो भी अभी उसकी ठंडी है, तो फिर आप कुछ देर बाद उसको छूओगे तो वो एकदम ठंडा हो जाएगा, ठीक है। बोलती है ना मम्मा अभी इसे मत छू, अभी इसको ठंडा होने दो, उसके बाद छू लो, ये बोलती है ना, क्यों? क्योंकि उसकी जो हीट है वो फिर ट्रांसफर हो जाएगी सराउंडिंग्स में, ठीक है, तभी आपकी मम्मा या आपको ये बोला जाता है कि अभी यूटेंसिल को मत छूओ, अभी वो गर्म है, थोड़ी देर बाद छू लेंगे, ठीक है, क्योंकि उसकी जो हीट है वो आपकी ट्रांसफर हो गई है सराउंडिंग्स में, और आपकी सराउंडिंग्स जो थी वो एक कोल्ड ऑब्जेक्ट थी। क्लियर है ये आपको? तो ट्रांसफर ऑफ हीट, कंडक्शन, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स आज हमने पढ़ा है। सो अब हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे कन्वेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।